हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन के बारे में एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा और कौन सी इक्वेशंस में नहीं मिलेगा। सो लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो वेयर दिस ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड सी इज एन इंटीजर देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये दोनों आपके जीरो, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इस इक्वेशन को हम लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन कब बोलते हैं, जब ये दो वेरिएबल्स जो हैं एक्स एंड वाई ये जीरो ना हो जाए, क्योंकि अगर आप ए और बी जो हमने लिया है ये जीरो के इक्वल होंगे तो एक्स और वाई जो है वो भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो जैसी ऐसी इक्वेशन होती है वो हमारी लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12 लिख लिया, या फिर 8x + 17y इज इक्वल्स टू 7 लिख लिया, ठीक है, इस टाइप से। सो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन की, तो अगर कोई भी एक पेयर, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता करनी है इसके सॉल्यूशन की, तो हमने अगर मान लो x0 और y0 मान लिया, ये एक ऐसा पेयर है जो उसका सॉल्यूशन है। अ पेयर x0 y0 ऑफ इंटीजर्स इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। कब बोलेंगे इस पेयर को कि ये सॉल्यूशन है? ये आपकी इक्वेशन थी, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन थी, और ये अगर सॉल्यूशन है तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x0, y की जगह y0। नेक्स्ट कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। और एक तो है कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो या एक्स और वाई की, जैसे अगर इस लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन की मैं बात करूं तो एक्स और वाई की आप वैल्यू निकाल रहे हो जो इसका सॉल्यूशन होगा। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि आप जर्नल सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो जर्नल सोल्यूशन का एक डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है, उसमें हम वैल्यू को पुट करके निकालते हैं। फर्स्ट देखो, फाइंड द जर्नल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 70x 112y इज इक्वल्स टू 168। तो पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में आपको GCD निकालना है किसका, ये क्या है ax + by की फॉर्म इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में है ना। तो इस x के साथ जो है और y के साथ जो है a और b का आपको GCD निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो यहाँ पर GCD ऑफ हमें चाहिए 70 एंड 112। सो ये रहा 112, 70, 70 × 1 70, 42 का रिमाइंडर, देन 70 जो यहाँ पे डिवाइजर का काम कर रहा था वो अब यहाँ पे डिविडेंड का काम करेगा, 42 और 70। सो 42 × 1 42, रिमाइंडर आ गया 28, ये इधर शिफ्ट हो गया। जीसीडी निकालना है, आप जिस भी तरीके से निकाल लीजिए, ये सबसे ईजिएस्ट है। 28 देन इंटू 1 अगर हम करेंगे तो 28, 14 रिमाइंडर, ये इधर शिफ्ट हो गया, 14 × 2 = 28, एंड लास्ट में हमारे पास का रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो 112 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 × 1 और प्लस में 42 रिमाइंडर, जो डिवीजन अल्गोरिदम हमारा होता है a = bq + r, ठीक है। देन 70, इस 70 को कैसे लिख सकते हैं, 42 × 1 प्लस में 28, देन 42 इसको कैसे लिख सकते हैं, 28 × 1 और प्लस 14 जो रिमाइंडर है। देन इस 28 को कैसे लिख सकते हैं, 14 × 2 प्लस में 0, ठीक है। तो ये जो हमें लास्ट में मिलता है ये होता है हमारा जीसीडी, ठीक है। तो 70 और 112 का जीसीडी क्या मिला हमें, 14 मिला। तो करना क्या है आपको, पहले तो ये चेक करना है कि जो जीसीडी आपका आया है वो इसको डिवाइड करता है नहीं, 168 को, ठीक है। इन केस अगर डिवाइड नहीं करता तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उस केस में। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे दिस डिवाइड बाय 168, तो 168 जो है वो डिवाइड हो रहा है 14 से, ठीक है। आप चेक करोगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा 14 से। तो 168 इज डिवाइडेड बाय 14, 12 पे डिवाइड होता है, जिसका क्वेश्चन है वो 12 है। तो इसका मतलब इस लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। अभी हम आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप देखोगे कि डिवाइड नहीं हो रहा, तो उस केस में सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इधर आ जाते हैं। इतना काम करने के बाद हम रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 40, मतलब अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये जो आपका लास्ट होगा, जो जीसीडी हमारा मिला है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये हो गया 14, इसकी हेल्प से आप ये बाय रिवर्स चल सकते हो। तो 14 किसके इक्वल है, इफ़ मैं 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 14 के इक्वल आ रहा है। सो वही लिखा है हमने, 14 इज इक्वल्स टू 42 माइनस 28. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 28 में वैल्यू पुट कर देंगे. तो 28 आपका ये रहा. इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ मैं लिख दूँ 70 माइनस 42. ठीक है, वही इजी है बिल्कुल. तो 28 की जगह सब्सटीट्यूट हो गया 70 माइनस 42. ये हो जाएगा 42 माइनस 70 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटा दिया हमने. उसके बाद आप ये देखो, ये एक 42 है और ये एक 42 है, मतलब आप 2 into 42 लिख सकते हो, मतलब 2 times आ रहा है ना 42. देन माइनस 70 लिख दिया. अब हमने क्या किया, फिर से ये 42 जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, उसकी जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 112 माइनस 70. तो ये रहा 42 112 माइनस 70. इसको पुट करा यहाँ पर. इसको पुट करने के बाद आप देखोगे, मैं इस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो 2 into this माइनस 2 into 70. एक 2 into 70 ये रहा, एक ये रहा. तो 2 + 1 3 हो जाएगा ना. तो 3 times 70 आ रहा था, 3 into 70. ठीक है, देखो यहाँ तक कर लिया हमने. अब हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12. ऐसा हमने इसलिए किया है, आप देखोगे जो GCD से लेकर चल रहे थे 14 चल रहा था उस साइड, और हमें लाना क्या है 168 लेकर आना है, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए. तो अगर मैं इस 14 में 12 मल्टीप्लाई कर दूं तो 168 आंसर आ जाएगा. ये जो C है वो 168 आ जाएगा. तो इसीलिए हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 12 किया, सो दैट 14 into 12 इज इक्वल्स टू 168 आ गया. ओके, देन 2 into 12 24, दिस एज इट इज. ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो 3 into 12 36 70. ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए इसकी. आप देखोगे यहाँ पे 112 होना चाहिए, यहाँ पर 70 होना चाहिए. तो आप ये देख सकते हो, ये रहा 112, ये रहा 70. ये पूरी इक्वेशन हो गई. यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपका बनेगा वो एक्स और वाई की वैल्यू बनती है. ठीक है, अब रही बात सॉल्व कैसे करना है. ये जब आप बाय रिवर्स वाला प्रोसेस स्टेप करोगे तो जो भी आपने ये डिवीजन की हेल्प से आपको ये बनाना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करते चले जाना है. और आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन गिवन है उस टाइप से आप करो. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपने देखा कि 168 बन गया जो C होना चाहिए था, और ये आपका एक्स और वाई जो ए और बी की वैल्यू थी आपकी 112 और 70 वो बननी चाहिए, तभी ये जो सोल्यूशन है वो आपका एक्स और वाई का सोल्यूशन होगा. ठीक है, ये आप चेंज ये जो है आगे पीछे नहीं, आगे पीछे इन द सेंस कि ये इसकी वैल्यू यही होनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 70 और ये, तभी एक्स और वाई की वैल्यू जो है इसके जो मल्टीपल में है वो आपको मिलेगी. ठीक है, तो ऐसा हमने इसीलिए किया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. 2-3 एग्जाम्पल्स आप करोगे तो अच्छे से आपको पता लग जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे एज अ सोल्यूशन. तो यहाँ पर हमें y नॉट की वैल्यू मिलेगी 12 और x नॉट की वैल्यू मिलेगी -36. तो ये आप चेंज कर सकते हैं. दिस विल बी y नॉट की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी x नॉट की वैल्यू. ठीक है, नाउ जर्नल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है आपको. जर्नल सोल्यूशन के लिए इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है. ठीक है, और जर्नल सोल्यूशन के लिए इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज़ होता है. हम इन ये दोनों वैल्यू जो हमने लिखी है उसको पुट करके जर्नल सोल्यूशन निकालते हैं. ठीक है, दिस इज़ वाई नॉट. तो अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतना ही करेंगे, और जर्नल सोल्यूशन के लिए कुछ ऐड कर दिया है यहाँ पर हमने. सो x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस b डिवाइड बाई dt. Then y1 is equals to this. Now x1 is equals to x naught की वैल्यू यहाँ पर होगी -36. इसको हम थोड़ा इंटरचेंज कर लेंगे. ये हो जाएगा -36 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 112 जो आपको इक्वेशन से पता चलेगी, और यहाँ पर d जो है वो हमारा आ जाएगा 14. मतलब d इज जो GCD निकला था ना, a और b का जो GCD निकला था वो हमारा होता है d, दैट इज़ 14 और टी. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करने पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा. यहाँ पर y1 इज इक्वल्स टू वाई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज +24. ठीक है, देन इसमें नेगेटिव होता है माइनस, a की वैल्यू थी 70 और देन d चाहिए, GCD आया था a और b का 14 आया था हमारे पास, तो ये 14t. इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी दैट विल बी माइनस का 36 और डायरेक्टली आप इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं 8t. देन यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 24 और माइनस का. ठीक है, यहाँ पर भी चेंजमेंट कर देते हैं माइनस का 36 और y1 हो जाएगा प्लस का 24. अब आ जाते हैं बी पार्ट पे, दैट इज 39x माइनस 56y इज इक्वल्स टू 11. तो सबसे फर्स्ट स्टेप था जीसीडी निकालना ए और बी का, तो ये ए और ये बी 39 56 का जीसीडी निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 39 वन ज़ा 39, 17 रिमाइंडर 17 इंटू 2 34 5 रिमाइंडर, 5 इंटू 3 15 2 रिमाइंडर, देन 2 इंटू 2 4 1 रिमाइंडर, देन 1 इंटू 2, देन लास्ट में आ गया 0. ठीक है, और इसको हमने लिख लिया इस फॉर्म में, डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में. हमारा जो जीसीडी होता है वो ये होता है, दैट इज 1. तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. तो 11 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 11. तो ठीक है, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. देन अब हम आ जाएंगे बाय रिवर्स प्रोसेस पे, तो हम जीसीडी से शुरू करेंगे, दैट इज़ 1. तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4. 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये सब हम यहीं से निकाल रहे हैं. 5 माइनस 4 1 था, 5 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4. ठीक है, सॉरी 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया. अब हमने इस 2 को हटाया है, 2 को सब्स्टिट्यूट किया, 2 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है 17 माइनस 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस 15. देन 15 को अगेन सब्स्टिट्यूट किया है, ये रहा 15, 5 इंटू 3. ठीक है, तो 5 इंटू 3 ये हो गया. देन 5 माइनस 2 एंड 2 अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे देखोगे एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो 6 प्लस 1 7. ठीक है, तो 7 इंटू 5 हो गया, दिस एज इट इज़. दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने फिर से जो है चेंजमेंट करी है 5 के पास, दैट इज़ 39 माइनस 34 था. ठीक है, 34 में फिर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 17 इंटू 2, तो वही सेम चीज़ की है, 2 इंटू 17. देन आप 7 जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 टू ज़ा 14 हो गया, दिस एज इट इज़. अब यहाँ पर ये रहा आपके पास 17 वाला, ये रहा, इसको ऐड कर सकते हैं, 14 प्लस 2 सॉरी नहीं ओके ठीक है, 14 प्लस 2 16. देन दिस एज इट इज़, माइनस का साइन है तो माइनस ये आ गया. फिर 17 की जगह पे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, दैट इज़ 56 माइनस का 39. ठीक है, तो 56 माइनस का 39, 16 हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, ये रहा आपके पास एक 16 का और ये सॉरी ये रहा 39 का और ये रहा 39 का. इसके आगे की जो वैल्यूज़ हैं हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो सिंपली दिस विल बी 23 और ये एज इट इज़. ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बोला था ये यहाँ पर 1 ही चल रहा है, हमें इस तरीके से बनाना होता है, और यहाँ पर 11 है, तो इफ़ हम मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 11, यहाँ पर 11 आ जाएगा और इस तरफ भी 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वही इक्वेशन बन जाएगी जो हमें चाहिए थी. यहाँ पे 39 चाहिए था, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, ये आपका y था, तो ये बन जाएगी आपकी y की वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो x है x नॉट है दैट इज़ 253 और y नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 176, क्योंकि यहाँ पर 56 ऑलरेडी नेगेटिव में था, तो हमें यहाँ पे माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पॉजिटिव का 176 हो जाएगा. ठीक है, कि ये जो हमने निकाला है वो क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन. नेक्स्ट अब हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है. सो जनरल सोल्यूशन के लिए दोनों फार्मूलाज थे, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, और ये देन सॉल्व करने के बाद ये इसका फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये हैंस x1 इज़ दिस एंड y1 इज़ दिस वेयर t इज़ एन इंटीजर. अभी तक हमने जो भी इक्वेशंस देखी उसमें हमें सॉल्यूशंस मिल रहे थे. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जिसमें हमें जो सॉल्यूशंस हैं वो नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स. सो फर्स्ट इज 6x प्लस 51y इज इक्वल्स टू 22. तो ये हमारी गिवन इक्वेशन है, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, मतलब जीसीडी निकालेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं. देन 6 8 48, 3 रिमाइंडर, देन ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 2 6 एंड आंसर 0. यूक्लिड एल्गोरिदम बनाने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे जीसीडी जो आ रहा है वो आ रहा है 3. ठीक है, तो 6 5 और 51 का जो जीसीडी है वो 3 है, एंड 22 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, हैंस आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. दैन नेक्स्ट इक्वेशन है 33x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 115. नाउ अब हम इसका जीसीडी निकालेंगे. 14 2 ज़ा 28 रिमाइंडर 5, देन 5 2 ज़ा 10 रिमाइंडर 4, देन दिस लास्ट में आंसर 0 आ जा रहा है. यूक्लिडियन एल्गोरिदम बनाया, जीसीडी 1 आ गया, देन 115 जो है वो सॉल्वेबल है, तो इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, देन कुछ इसी तरीके से और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सोल्यूशन आएगा, सेम प्रोसेस हमें सब में करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम इफ़ ए बी, इन दोनों का जो जी सी डी है, हमारे पास लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। इफ़ ए और बी इन दोनों का जो जी सी डी है, इफ़ वो डी आता है, ठीक है, और वो डी इस सी को डिवाइड कर देता है, लाइक सी इज़ डिविजिबल बाय दिस डी, जो जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल करा, ठीक है। तो अगर डिवाइड कर देता है तो हमें उसका इंटीग्रल सोल्यूशन मिलता है, इफ़ नहीं करता तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसी पे बेस्ड है ये थ्योरम, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के बाद बताया है, सो दैट आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया लग जाए। ए और बी का जो जी सी डी है दैट इज़ डी, देन द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन इज दिस, हैज़ अ इंटीग्रल सोल्यूशन इफ़ डी इज़ डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर ये सपोज कर लेते हैं कि जो सी है वो मतलब डी से जो जी सी डी है उसे डिवाइड हो जाता है, देन हमें ये रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये हम गिवन लेकर चल रहे हैं फर्स्ट, देन रिक्वायर्ड टू प्रूव इज लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इसका कोई इंटीग्रल सोल्यूशन होगा, ठीक है। अभी हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स किए, उसमें आपने देखा था। नाउ दिस इज इक्वल्स टू इफ़, या हमारा जो ये सी है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इससे तो आपको कोई नंबर मिलेगा जिस नंबर पे वो डिवाइड हो रहा है, तो सी इज इक्वल्स टू आर डी लिख सकते हैं, वेयर आर इज़ एन इंटीजर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ ए बी का जो जी सी डी डी है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल्स टू डी। ये जो है ए बी का जो जी सी डी डी था, हमारे पास हमें दो इंटीजर्स एक्स वाई ऐसे मिलेंगे सच दैट ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ठीक है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल्स टू डी। नाउ अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, मल्टीप्लाइंग 2 बाय जी सी डिवाइडेड बाय डी, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पर ए इस साइड कर दिया, ये लिख दिया एंड दिस इज सी, इस पर हमने जस्ट ब्रैकेट लगाया है, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ है। अगर इस वैल्यू को मैं एक्स नॉट मान लूँ और इस पूरी वैल्यू को मैं वाई नॉट मान लूँ, तो ये जगह ए एक्स नॉट प्लस में बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू सी, जहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू ये है और वाई नॉट की वैल्यू ये है। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और इसका कोई भी सोल्यूशन अगर होता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ तो यही सेम चीज़ तो हमने यहाँ पर भी की है, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की है, तो जो इक्वेशन थी हमारी लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को ये सोल्यूशंस जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसका कन्वर्स देख लेते हैं। सपोज दैट लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन दिस हैज़ अ इंटीग्रल सोल्यूशन, ऑलरेडी अब हम मान के चल रहे हैं कि उसका इंटीग्रल सोल्यूशन है एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि सी जो है सी इज़ डिवाइडेड बाय डी। अगर ये इसका सोल्यूशन है एक्स नॉट वाई नॉट, तो जब हम इस इक्वेशन लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो ए एक्स नॉट प्लस में बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू सी, बट ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज़ अ मल्टीपल ऑफ डी, क्योंकि जो जी सी डी है दोनों का डी है, ये तो गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये किसका मल्टीपल है, डी का मल्टीपल है। नाउ ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू आर डी, क्योंकि ये जो है वो मल्टीपल है डी का, तो किसी भी मान लो नंबर पे आता है उसको हमने आर मान लिया, तो हमने आर डी लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आर डी किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है, सी इज इक्वल्स टू आर डी भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो सी है दैट इज डिवाइडेड बाय बी, जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से डी एंड डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। तो सी डिवाइड हो जाएगा और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हैंस द प्रूफ। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया। लास्ट ये थ्योरम का हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जर्नल सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो इन दोनों फॉर्मूलेज का हम यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।